बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, पीएचडी फार्माकोलॉजी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ माय लेक्चर अबाउट एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी पार्ट सेकेंड ऑफ जॉइंट्स इज सिनोवियल जॉइंट्स। पार्ट सेकेंड of joints include the synovial joints. Now let us see, if you have any question or any problem regarding previous lecture, please tell me in comment section. And in this video we will discuss about synovial joints or joints classification. Now we go towards the classification of the synovial joints. According to complexity of the form, synovial joints can be divided into three major types. The complexity of form ki agar uski morphology ki complexity ke upar dekha jaye, one is simple type, simple joints, two articulating surfaces, male and female, convex and concave form, including joints, shoulder joints, इंटरफलेंजल जॉइंट्स एट्सेट्रा। तो ये सिंपल जॉइंट्स कहलाते हैं, शोल्डर, इंटरफलेंजल जॉइंट्स। और इसके बाद कंपाउंड जॉइंट्स, जॉइंट विद मोर देन टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस इज कॉल्ड कंपाउंड जॉइंट्स। टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस से ज़्यादा हों, लाइक एल्बो जॉइंट, कोहनी के जो होते हैं, एज ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद अल्ना एंड रेडियस। कम्प्लेक्स जॉइंट्स, जॉइंट कंटेनिंग आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस इसमें पाई जाती है, इज नोन एज कम्प्लेक्स जॉइंट। उसके अंदर कम्प्लेक्स होता है, जैसे नी जॉइंट है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स है, एक्रोमायो क्लेविकुलर जॉइंट्स हैं, तो ये कम्प्लेक्स जॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सिनोवियल जॉइंट्स की सेकेंड टाइप जो क्लासिफिकेशन है, व्हेन द मूवमेंट एट जॉइंट क्लास अकर्स, one of the articulating bones maintains a fixed position while the other rotates around an axis. There are three major types of axis. इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं, एक तो वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकली जो मूवमेंट है। फिर होता है सेकेंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स पोजिशन में जो एक्सिस में मूव करते हैं। एक होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है वो भी हम देखते हैं। इसके आगे सब टाइप देखें, यूनी एक्सियल इंटरफलेंजियल जॉइंट, जिसमें सिर्फ यूनी का मतलब एक होता है, एक एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। यूनी मीन एक, एक्सिस मानी एक्सियल जो मूवमेंट है वो एक एंगल पे हो सकती है या एक एक्सिस पे हो सकती है। इनमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है ट्रांसवर्स वाले जो करवाते हैं। यहाँ पर मैंने फिगर के साथ कलर मैच किए हैं, आप देख सकते हैं। बाई एक्सियल जो है रिस्ट जॉइंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन ये मूवमेंट हो सकती है। बाई का मतलब दो, दो एक्सिस में मूव कर सकते हैं ये जॉइंट्स। मल्टी एक्सियल जो है ज़्यादा एक्सिस पे कर सकते हैं, एक ज़्यादा, एक से ज़्यादा एक्सिस पे कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है जो ट्रांसवर्स एक्सिस करवाता है, अबडक्शन एंड अडक्शन है जो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस करवाता है, लेटरल एंड मीडियल रोटेशन है वर्टिकल एक्सिस करवाता है। तो तीनों के कलर आपने मैच किए हैं ताकि आपको इनके एक्सिस का भी पता चले और जो मूवमेंट ये करवाते हैं उसका भी पता चल जाए। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो तीसरी टाइप है सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सेवन टाइप्स आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फिसेज और मैकेनिकल एनालॉजी, मैकेनिकली क्या काम करते हैं, क्या नजर आते हैं हमें, वो हम इसको बयान करेंगे, बताएंगे। सेवन मेजर टाइप्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट इज प्लेन जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स में ग्लाइडिंग मूवमेंट ओनली, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट होती है जो सादा प्लेन जॉइंट होता है। इसके बाद हिंज जॉइंट्स, यूनी एक्सियल है, ये भी मूवमेंट एक एक्सिस पे करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस में, ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज पॉसिबल हिंज जॉइंट में। पाइवोट जॉइंट, इसका दूसरा नाम है ट्रेकॉइड जॉइंट भी कहते हैं, ट्रोकॉइड। और यूनी एक्सियल है, देखिए ना शुरू में कम्प्लेक्सिटी नहीं है, अभी ये बिल्कुल प्लेन है, फिर यूनी एक्सियल है, फिर यूनी एक्सियल है, फिर
बाइकुंडाइलर, जो दो कुंडाइल आपस में ज्वाइंट मिलते हैं, काम करते हैं, कुंडाइल्स आपस में मिलते हैं, नकल्स ज्वाइंट कहते हैं, जैसे उंगलियों के नकल्स होते हैं, नकल्स। इसमें बाईएक्सियल है ये मूवमेंट, ट्रांसवर्स एक्सिस और रोटेशन भी हो सकती है। बाईएक्सियल का मतलब दो हमने एक्सिस देखे थे प्रीवियस, तीन एक्सिस थे उनमें से ये दो काम करते हैं। इलिप्सॉइडल जो है बाईएक्सियल है, सेकंड बाईएक्सियल, ये बाईएक्सियल ट्रांसवर्स भी होती है, इंटीरियर पोस्टीरियर भी होती है, सर्कमडक्शन भी हो सकती है। नंबर सिक्स, सैडल जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स भी कहते हैं। बाईएक्सियल मूवमेंट है, थंब की जो है कॉमन एग्जांपल है इसकी, सैडल जॉइंट की मूवमेंट होती है। इसके बाद सेवन्थ नंबर पे, समटाइम्स किसी में छः भी दिए हुए, दोनों को मिक्स किया गया है, लाइक एलिप्सॉइडल और सैलर को मिक्स कर देते हैं, लेकिन कुछ ने अलग-अलग इसको एक्सप्लेन किया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, सेफिरॉइडल भी कहा जाता है, और मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है बॉल एंड सॉकेट वाली, शोल्डर जॉइंट इज वेरी कॉमन एग्जांपल। तो इससे भी कुछ अंदाज़ा हो गया आपको कि सेवन टाइप्स कौन सी, आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। नाउ वी गो टूवर्ड्स द टेबल दैट एक्सप्लेन द मैकेनिकल एनालॉजी और प्राइमरी एंगुलर मूवमेंट ऑफ दीज जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और एनाटोमिकल एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। हिंज जॉइंट के अगर हम देखें, फ्लेक्शन है एंड एक्सटेंशन ओनली कर सकता है। डोर हिंज जो है, कुंडली जो होती है डोर का, उसकी एग्जांपल है मैकेनिकल एनालॉजी है। और ह्यूमेरल अल्नर जो जॉइंट है, ह्यूमरस और अल्नर जो जॉइंट्स है ये आपस में बनाते हैं। इंटरफ्लेंजियल, फ्लेंजेस के दरमियान जो हाथों की होती है, रिस्ट से आगे फ्लेंजेस होती है ना जॉइंट, उनको कहते हैं। पाइवोट जॉइंट है, स्पिनिंग ऑफ द वन मेंबर अराउंड ए सिंगल एक्सिस ऑफ द रोटेशन होती है, डोर नॉब की एग्जांपल है। ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, एटलेंटो जो सी टाइप है, गर्दन की जो मूवमेंट होती है एक्सियल जॉइंट है वो यहाँ पे है। इसके बाद नेक के साथ एलिप्सॉइडल जॉइंट है, बाईप्लैनर मोशन होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड अबडक्शन एंड एडक्शन होती है। फ्लैट एंड कन्वेक्स इलेप्सॉइडल पेयर्ड विद कनकेव ट्रफ होता है, रेडियो कार्पल जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ट्राईप्लेनर मूवमेंट है इसमें, ट्राईप्लेनर। फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन एंड इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी हो सकती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा होती है। सिफेरिक कन्वेक्स सरफेस है, पेयर्ड विद ए कनकेव कप। ग्लिनो ह्यूमरल जो जॉइंट है, कोक्सो फीमोरल हिप जॉइंट जो है ये भी इसमें शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है। आगे फिगर इसकी देखेंगे नेक्स्ट, मज़ीद इसकी तफसील भी देखते हैं। प्लेन जॉइंट की अगर हम एग्जांपल देखें, टिपिकल मोशन इंक्लूड्स ट्रांसलेशन और कंबाइंड स्लाइड एंड रोटेशन थोड़ी सी हो सकती है। रिलेटिवली फ्लैट सर्फेसेज होती हैं, अपोजिंग ईच अदर, ये ए वाला अपोजिंग है, लाइक ए बुक ऑन ए टेबल के ऊपर हो। नेक्स्ट फिगर में आपको पता चलेगा एक दूसरे के अटैच होती हैं, आमने सामने होती हैं, जैसे रगड़ करते हैं किसी दो चीज़ों को। कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट्स हैं, डिजिट्स 2 और 5 तक जो होती हैं थंब के अलावा। इंटर कार्पल जॉइंट्स हैं, इंटर टॉर्सल जॉइंट्स हैं, ये इसकी एग्जांपल प्लेन की। फिर सैडल जॉइंट्स हैं, बाई प्लेनर जॉइंट्स कहते हैं। स्पिन बिटवीन बोन्स बोन्स इज पॉसिबल बट मे बी लिमिटेड बाई इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ द जॉइंट। ईच मेंबर हैज़ ए रेसिप्रोकली कर्व्ड कनकेव एंड कन्वेक्स सरफेस ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स टू द अदर लाइक ए हॉर्स राइडर एंड सैडल। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल सैडल जॉइंट। और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो कॉमन एग्जाम्पल। इसके बाद कुंडाइलॉइड जो जॉइंट है, बाईप्लेनर है यानी बाईएक्सियल है, आइदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड अबडक्शन और फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एक्सियल रोटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन भी हो सकती है कुछ जो जगहों पे। इसके बाद मोस्टली सिफेरिक कन्वेक्स सरफेस दैट इज इनलार्ज्ड इन वन डायमेंशन लाइक नकल्स, जैसे नकल्स जो होते हैं ना हाथ उंगलियों के दरमियान हम काउंट करते हैं नकल्स में, देखते हैं कि कौन सा महीना है उसको देखने के लिए। पेयर्ड विद ए शैलो कनकेव कप, इसमें मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, टीबियो फेमोरल नी जॉइंट्स भी इसमें शामिल है। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह मैकेनिकल एनालॉजी देता है और किस तरह इसको कहेंगे। फर्दर हम इसकी डिटेल में भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स है,
सबसे पहले प्लेन जॉइंट्स के एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, ऐसे रगड़ खाते हैं। इन प्लेन जॉइंट्स द अपोज्ड, ए वाला अपोज्ड है, एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं अपोज्ड आर्टिकुलर सर्फेसिस, आर फ्लैट होती हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, देखिए आपके सामने, आर ऑलमोस्ट फ्लैट होती हैं, तकरीबन फ्लैट होती हैं, एंड दिस परमिट्स द बोन्स टू स्लाइड ऑन वन अनदर, स्लाइडिंग मूवमेंट होती है सिर्फ, जैसे ग्लाइडिंग मूवमेंट हम जिन्हें कहते हैं। दीज आर नॉन एक्सियल, इसमें कोई एक्सिस मूवमेंट नहीं होती, एक्सियल मूवमेंट का मतलब कोई एक्सिस पे मूव नहीं करते। इसमें जो है स्टर्नोक्लेविकुलर है, एक्रोमायोक्लेविकुलर है जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स ऑफ द रेस्ट जॉइंट की जो है वो कलाई की जो होती है वो देखी गई यहाँ पे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे वर्टिब्री बताई गई है और ये मूवमेंट को भी दिखाया गया है, ये जो मूवमेंट इनके दरमियान होती है वर्टिब्री की, यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है। एक दूसरे के साथ ये देखें अटैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कलाई जैसे मिलती है रेस्ट वाली। तो इसके बाद हिंज जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट्स रिजम्बल द हिंज ऑन ए डोर, जैसे कब्जा होता है डोर का उससे मिलती जुलती है। सो दैट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स आर पॉसिबल, दो मूवमेंट होती हैं, एक होती है जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकती है। एग्जाम्पल जो है एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इस तरह की मूवमेंट होती है। ये देखिए अटैचमेंट है हिंज जॉइंट की, थोड़ा सा फर्क होता है डोर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है। इसके बाद यहाँ पे भी दिखाया गया है कि नॉब है और कप है, इसमें लिगामेंट्स हैं अपर एंड लोअर हैं, ये हिंज जॉइंट बना रहा है, देखिए हिंज जॉइंट, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड मूवमेंट हो सकती है, लोअर आर्म बोन लिगामेंट्स नॉब एल्बो, ये एल्बो को दिखाया गया है उसकी जो है बनाती है हिंज जॉइंट बना रहा है। नेक्स्ट वी गो टूवर्ड द पाइवोट जॉइंट्स, इन पाइवोट जॉइंट्स ए सेंट्रल बोनी पाइवोट इज सराउंडेड बाय ए बोनी लिगामेंटस रिंग, एक लिगामेंटस रिंग होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, सेंट्रल बोनी पाइवोट होता है, ये सेंट्रल बोनी पाइवोट पाइवोट है, और इज सराउंडेड बाय ए लिगामेंटस रिंग होता है, ये लिगामेंटस रिंग है गोल इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और एंड रोटेशन इज ओनली मूवमेंट पॉसिबल, यहाँ पे सिर्फ रोटेशन इस तरह कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। द मीडियन एटलेंटो एक्सियल एंड, जैसे हम गर्दन को मोड़ते हैं, रोटेट करते हैं, सुपीरियर रेडियो अलर जॉइंट्स आर गुड एग्जांपल, इसका दूसरा नाम ट्रैकोइड है, ट्रोकोइड है, रोटरी जॉइंट है, लेटरल जिंजी लाइमस है, तो ये इनकी एग्जांपल्स या नाम भी कहते हैं सेकंड नेम इनके। ये सर्विकल की जो पहली स्पाइन है एटलस इन्हें कहा जाता है, ये एक्सिस के दरमियान जो मूवमेंट हो रही है ये भी इसी तरह की मूवमेंट करती है, तो लिहाजा सैडल जॉइंट्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वी गो इन सैडल जॉइंट्स आर्टिकुलर, इसका जो है आर्टिकुलर सर्फेसिस आर रेसिप्रोकली, रेसिप्रोकली एक दूसरे के कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स फॉर्म में, एक कनकेव होती है एक कन्वेक्स होती है, ये आपस में रिजम्बल है सैडल ऑन ए हॉर्सेज बैक, हॉर्सेज बैक की जो सैडल होती है उससे मिलता जुलता है। तो दीज जॉइंट्स परमिट फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन एंड रोटेशन, ये मूवमेंट कुछ बाई एक्सियल करती हैं, इसमें रोटेशन भी कुछ हो सकती है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब है, यहाँ पे प्रीवियस भी हमने कुछ की है बात, अब यहाँ पे भी इसकी दोबारा बात की है, ये थंब की यहाँ पे एग्जांपल है, मेटाकार्पल मेटाकार्पो फिलेंजल जॉइंट्स हैं, और ये ट्रेप्जियस है, ट्रेप्सियम है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द बाइकुंडाइलर जॉइंट्स, हेयर टू कुंडाइल्स मेल सरफेस, एक को हम मेल सरफेस कहेंगे, दूसरी को जो है फीमेल सरफेस कहेंगे। कैविटीज रिसीव्ड इनटू टू कनकेव फीमेल्स, टू कनकेव फीमेल्स होती हैं, ये देखें कनकेव फीमेल्स और फीमर भी कह रहे हैं। तो इट अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेन बट ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल अबाउट ए सेकेंड एक्सिस सेट एट 90 degrees टू द फर्स्ट वन, इट शोज यूनी एक्सियल जो मूवमेंट हो सकती है इसमें, ये दिखाई गई है इसकी फिगर बाइकुंडाइलर की। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये जो हेड की है टेम्पोरल बोन होती है, और मैंडिबल जो होते हैं बोन्स जैसे मैगजीला ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे मैंडिबल्स होते हैं, उनकी जो जॉइंट बनाते हैं ये फॉर्म है बाइकुंडाइलर।
कुंडाइल्स दो होते हैं वो बनाते हैं। और इसके बाद नी जॉइंट जो है उसकी भी ये एग्जांपल है, नी जॉइंट की ये वाली देख लें किस तरह मूव कर रहे हैं, ये शक्ल भी यहाँ पे दिखाई गई है फिगर। नेक्स्ट वी गो एलिप्सॉइडल जॉइंट्स, इसकी देख लेते हैं ये बाई एक्सियल जॉइंट्स है। अब यहाँ से बाई एक्सियल शुरू हो गए यानी कम्प्लेक्सिटी और वर्किंग इनकी बढ़ती जा रही है। हमने क्रोनोलॉजिकल पाथवे में लिया है इनको, शुरू में प्लेन था, फिर उसके बाद सेकंड, फिर हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, फिर अब एलिप्सॉइडल जो है फॉर्म। दीज आर बाई एक्सियल जॉइंट्स, ये दो एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, बाई एक्सियल हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्म्ड बाई रिसेप्शन ऑफ एन ओवल कन्वेक्स मेल सरफेस इन टू एन इलेप्टिकल फीमेल कनकेविटी, एक इलेप्टिकल फीमेल कनकेविटी होती है उसके अंदर ये जाके फंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, कन्वेक्स और कनकेव जो है फॉर्म होती है। मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन टू एक्सिस लाइक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड अबडक्शन एंड अडक्शन, दीज मूवमेंट में भी कंबाइंड विद सर्कमडक्शन से भी कंबाइन की जा सकती हैं, या तीसरी हो सकती है रेडियो कार्पल जॉइंट है, रेडियो कार्पल जॉइंट्स जो इनके दरमियान मेटाकार्पल है उनके दरमियान जो मूवमेंट जो कुंडाइल होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। मेटाकार्पो फ्लेंजल जॉइंट्स भी यहाँ पे बताए गए हैं और कुछ जो है कुंडाइल बोन को यहाँ पे दिखाया गया बेसिकली। इसके बाद सेलर जो है आर सेटल जॉइंट है, दीज आर बाई एक्सियल जॉइंट्स विच आर फॉर्म्ड बाई रिसेप्शन ऑफ कनकेवो कन्वेक्स अपोजिंग सर्फेसिस, मूवमेंट्स अकर्स इन टू टू प्लेन्स एट राइट एंगल्स ऑफ टू ईच अदर। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब बेस्ट एग्जाम्पल नो, और एंकल जॉइंट लेस इंपॉर्टेंट, कैल्किनियो क्यूबाइड जॉइंट है लेस इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे बताया गया। और सैडल जॉइंट को ये बताया गया किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे और कैसे मूव करेंगे, ये इनकी फिगर है। और ये थंब की एग्जांपल है खासतौर पे, थंब जो मूवमेंट करता है। इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट इज वेरी कॉमन वन, वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल शेप्ड, ये बॉल शेप्ड है, हेड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू ए सॉकेट लाइक ए कैविटी कनकेविटी ऑफ एनादर, ये सॉकेट की कनकेविटी है, इसके अंदर बॉल चली जाती है जिस तरह घुमाएंगे इसको, ये मल्टी एक्सियल है बेसिकली, हर तरफ घूम सकती है, ज्यादा एंगल यानी कर सकती है। दिस अरेंजमेंट परमिट्स फ्री मूवमेंट्स इंक्लूडिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, ये मल्टी एक्सियल है बेसिकली, मल्टी एक्सियल यानी मल्टीपल एक्सिस में मूव कर सकता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर मेजर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एग्जाम्पल एक दिखाई गई है बॉल एंड सॉकेट, ये बॉल है ये सॉकेट है, उसके साथ स्कैप्यूला है क्लेविकल है, ये जो शोल्डर है उसकी दिखाई गई है यहाँ पे बोन। इसके बाद एक और ओवरव्यू है जिसमें प्लेन जॉइंट की एग्जाम्पल उन्होंने बताई कि कैसे होता है प्लेन एक दूसरे के साथ ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है। हिंज जॉइंट जो है ये भी मूवमेंट थोड़ी कर सकता है, इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। और सैडल जॉइंट जो है ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इस तरह की इनकी शक्ल होती है और कैसे अटैच होते हैं। पाइवोट जो हैं ये भी पाइवोटल जो शेप है इस तरह मूव कर सकते हैं, ये भी बाई एक्सियल यूनी एक्सियल है, एलिप्सॉइडल और जो अदर फॉर्म है बॉल एंड सॉकेट ये मल्टी एक्सियल है बॉल एंड सॉकेट की तरह। ये शोल्डर जॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया, तो ये नेक की जो बोन है यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरह की जो ये ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्स और सेवन टाइप्स हमने देखी हैं यहाँ पे एक टाइप नहीं दिखाई गई, तो उनके बारे में यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है। नेक्स्ट फैक्टर्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स, सिनोवियल जॉइंट्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो उसकी स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स, इसमें एक तो जॉइंट्स की शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर शेप अच्छी होगी साइज ऐसा अच्छा होगा तो वो सही मजबूत होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वो सही काम कर सकते हैं और मजबूती से काम कर सकते हैं, उनकी ब्रेकेज के जो चांसेस है कम होंगे। इसका ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसिस द डीपर द सॉकेट द बेटर द स्टेबिलिटी, डीपर सॉकेट होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसा कि हिप जॉइंट की एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये एसिटाबुलम ऑफ द हिप
यानी सॉकेट ऑफ द हिप बोन, और ये हेड ऑफ द फीमर जो है आपस में जब अटैच करते हैं लाइक दिस वन, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, और साइज एंड शेप की वजह से, सी शेप एंड साइज की वजह से जो स्टेबिलिटी है स्नोवेल जॉइंट की वो बढ़ जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल जो जॉइंट है बॉडी का। टोन ऑफ द मसल्स हैं फॉर एग्जांपल मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर है कि मसल की जितनी टोन होगी उतनी ही वो मूवमेंट कर सकेगा जॉइंट। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉइंट्स, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मसल्स, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टोनिसिटी ऑफ द मसल्स, वो डिपेंड करता है उन मसल जिनके साथ वो अटैच हैं, जिनका जितना काम है उतना ही वो मसल कर सकता है, उतना ही जॉइंट वो कर सकता है। लिहाजा टोनिसिटी ऑफ द मसल इज आल्सो स्टेबलाइजिंग फैक्टर कि एक मसल की इतनी कैपेसिटी नहीं है और टोनिसिटी उसकी ज़्यादा हो वो भी काम नहीं कर सकेगा। तो स्टेबल होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा जो अहम फैक्टर है स्नोवेल जॉइंट की स्टेबिलिटी में वो है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, जिसको सिंडेसमोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ लिगामेंट्स, नंबर एंड पोजिशनिंग ऑफ लिगामेंट्स की जो पोजिशंस हैं, और ज़्यादा नंबर होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांगर जॉइंट होगा। जितने ज़्यादा नंबर जॉइंट लिगामेंट्स होंगे और पोजिशनिंग उनकी अच्छी होगी, लिगामेंट्स की मजबूती एक दूसरे को मिलाते हैं ना हड्डियों को, लिगामेंट्स या टेंडन्स, तो उतनी ही पावरफुल जॉइंट होगा। दीज आर द मेजर फैक्टर्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्नोवेल जॉइंट्स। नाउ वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड इन ब्लड सप्लाई ऑफ द स्नोवेल जॉइंट्स। ये स्नोवेल जॉइंट्स को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस जो लेक्चर था पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं कि वो डायरेक्ट जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती। कैसे होती है फिर? स्नोवेल जॉइंट्स रिसीव द ब्लड सप्लाई फ्रॉम आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ द नाइबरिंग आर्टरीज, जो मसल को आ रही हैं या बोन्स की तरफ आ रही हैं, खासतौर पर मसल को जो आती हैं वो नाइबरिंग आर्टरीज उनको भी सप्लाई करती हैं, स्नोवेल जॉइंट्स को भी देती हैं। आर्टिकुलर आर्टरीज यूजली फॉर्म एनास्टोमोटिक नेटवर्क्स अराउंड द जॉइंट, एनास्टोमोसिस बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं जो कि उनको प्रोवाइड करेगा। एक और रास्ता भी है कि स्नोवेल फ्लूइड जो है उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो जॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ये भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। दिस अरेंजमेंट इंश्योर्स एन अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई टू जॉइंट्स इवन इफ सम ऑफ द आर्टिकुलर आर्टरीज बिकम कंप्रेस्ड इन डिफरेंट पोजिशंस अज्यूम्ड बाई द जॉइंट ड्यूरिंग इट्स वेरियस मूवमेंट। तो ये एक जो मूवमेंट होती है बॉडी की, जैसे हम सोते हैं तब भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, जब भागते हैं रनिंग में उसमें मूवमेंट होती है, तो आर्टरीज को ये प्रेस भी करते हैं, आगे मूव भी करते हैं, और जिसकी वजह से जो कंटिन्यूस इनका प्रोसेस है ब्लड सप्लाई का वो होता रहता है कि एक प्रेस हुआ, उसको आर्टरीज को प्रेस किया, वेन उसकी ओपन हुई, वो आगे चला गया। तो इस तरह एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे ब्लड सप्लाई भी होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए भी ये जो ब्लड सप्लाई है स्नोवेल जॉइंट्स में होती है। ऑलरेडी आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि जो इनके अंदर स्नोवेल फ्लूइड होता है वो भी इनको सप्लाई कर सकता है कुछ साल्ट्स या मिनरल्स जो नीडेड होते हैं। नर्व सप्लाई इनर्वेशन कहते हैं, इनर्वेशन टू द जॉइंट्स नर्व सप्लाई कहते हैं। तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि मल्टीपल नर्व सप्लाई आर देयर, मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स यहाँ पे काम आती हैं बेसिकली पेन के बारे में, जॉइंट में अगर हो तो वो बताती हैं। कैप्सूल एंड द लेगामेंट्स, लेगामेंट्स हैं रिसीव एन अबंडेंट सेंसरी नर्व सप्लाई। अबंडेंट का मतलब बहुतात में, बहुत ज़्यादा मकदार में सेंसरी नर्व सप्लाई करती हैं कैप्सूल्स और लेगामेंट्स, रिसीव हासिल करते हैं अबंडेंट सेंसरी नर्व सप्लाई। ए सेंसरी नर्व सप्लाइंग ए जॉइंट आल्सो सप्लाइज द मसल मूविंग द जॉइंट। ये एक अहम पॉइंट है कि जो जॉइंट को दे रहे हैं मसल भी तो उन्हीं जॉइंट के साथ ही काम कर रहे हैं ना, उनको भी सप्लाई करती हैं। एंड द स्किन ओवरलाइंग द इंसर्शन ऑफ दीज मसल, जो इंसर्शन कहते हैं जहाँ से मसल अटैच हो रहा है, ओरिजन है और एक दूसरी साइड है उसको इंसर्शन कहा जाता है। ओरिजन वो होता है जहाँ से मसल अटैच होता है, और दूसरी साइड जो मसल जहाँ पे जाके अटैच होगा किसी और बोन के साथ, दूसरी बोन के साथ, उसे इंसर्शन कहते हैं। ऑफ दीज मसल्स इफेक्ट दैट हैज़ बीन कोडिफाइड एज हिल्टन लॉ, इसे कहा जाता है बेसिकली। जनरली दी हिल्टन लॉ के बारे में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, समटाइम्स क्वेश्चन में पूछी जाती है, डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है।
The nerve supply of the synovial joints follows the Hilton's law. Hilton's एक scientist था, उसने इसकी discovery की थी, तो इस वजह से उसको Hilton's law कहा गया है. Which states that a nerve that supplies a joint also innervates the muscles. जो nerve joint को nerve supply करेगी, वो muscle जो उसके साथ attach हो रहे हैं joint के साथ या skin के साथ हैं, उनको भी करेगी. यानी एक ही किश्ती पे अगर बैठे हैं तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नर्व सप्लाई होगी तो वर्किंग नहीं होगी. उससे मुराद है इनर्वेशन तीनों की एक होगी तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. जॉइंट अगर कहे मैंने मूव करना है, मसल भी उसी के साथ होगा, बोन भी उसी के साथ होगी, इनर्वेशन वो सेम सेंसरी. अगर पेन होगा तो तीनों को किसी जगह पर पेन होगा, मसल्स में, जॉइंट्स में, तो वो ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को इनर्वेट कर देगा, सेंसरी नर्व पहुँचा देगा. Moving the that joint and the skin covering insertion of these muscle, two types of sensation convey to nerve ending. जो two types of sensational receptors होते हैं, nerve endings होती हैं, जो कि एक तो है pain को महसूस करवाती हैं, sensory होती हैं. sensory का मतलब जो brain की तरफ लेके जाती हैं senses को. जब हम touch करते हैं किसी चीज़ को, pain होता है, injury होता है, fracture होता है, तो ये brain की तरफ जाता है कि यहाँ पे pain हो गया, यहाँ पे ये हैपर एक्सटेंशन हो गई है, ब्रेक डाउन हो गया, बर्साइटस हो गया, कोई भी चीज़ है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये सबसे पहले पेन महसूस करना. दूसरा नंबर पे प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन अबाउट द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ, किस मूवमेंट में हूँ, उसको बताना भी इनका काम है. नर्व सप्लाई ही बताती है कि मैं स्टैंडिंग किस पोजीशन पर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, और ये हमारे क्या वर्किंग कर रही हैं, कितने टाइम के लिए खड़ा हूँ. तो लिहाजा प्रोप्रियोसेप्टिव जो हैं सेंसेशन भी होती हैं, पेन सेंसेशन भी होती हैं. होम्योस्टैटिक एम्बैलेंस जो है, इम्बैलेंस या क्लिनिकल एनाटॉमी या डिजीजेस जो हम कहते हैं जो जॉइंट्स की हैं, उनको हम कहते हैं आर्थ्रोपैथी. आर्थ्रोपैथी इज डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स. आर्थ्रोपैथी, आर्थ्रो मीन जॉइंट, पैथी मीन डिजीज और पैथोलॉजी, इज डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स. ये डिसऑर्डर है जॉइंट्स के. एंड व्हेन इन्वॉल्विंग इन्फ्लेमेशन, अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, यानी वो जगह फूल जाए, बढ़ जाए साइज में, इन्फ्लेम्ड हो जाए, इस डिसऑर्डर को आर्थराइटिस कहेंगे. ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, टी आई एस आ जाए जहाँ पे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी. हेपाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. दे मे बी पोली आर्टिकुलर, मल्टी आर्टिकुलर या मोनो आर्टिकुलर हो सकते हैं. कोई भी डिजीज़ है, या तो पोली आर्टिकुलर हो सकती है या मोनो आर्टिकुलर हो सकती है. डैमेजिंग द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज आर द बोन्स एंड द मसल दैट स्टेबिलाइज द जॉइंट्स कैन लीड टू जॉइंट डिसलोकेशंस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस. एक तो जॉइंट डिसलोकेशन जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है, आर्टिकुलर जो इसमें कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बोन जो है वो जॉइंट डिसलोकेट कर जाता है, अपनी जगह से चेंज हो जाता है. इसकी दूसरी फॉर्म है कि इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड सबलेक्सेशन ऑफ द जॉइंट. एक डिसलोकेशन फुल होती है, एक में सबलेक्सेशन ऑफ जॉइंट होता है जिसमें इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट होती है. एक टर्म है बर्साइटिस, जैसे हमने बर्सा भी पढ़ा है, बर्सा जो उनका फैट होता है, पैड होता है, स्ट्रक्चर होता है जो इन जॉइंट्स में पाया जाता है, बहुत सारे जॉइंट्स में. बर्साइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा नियर ए जॉइंट विच कॉज पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट. ये भी हो सकता है. इसके बाद स्विमिंग जो है वो कहते हैं इज ए ग्रेट वे टू एक्सरसाइज द जॉइंट विद मिनिमल डैमेज. एक अहम चीज़ है स्विमिंग जो है, ग्रेट वे टू एक्सरसाइज का एक अहम जुज्व है, फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है जिसमें मिनिमल डैमेज होता है इन जॉइंट्स का. इसके बाद होम्योस्टैटिक इम्बैलेंसेस में फर्दर जो हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है एक डिजीज़. ऑस्टियो मीन बोन्स की, आर्थराइटिस जॉइंट, बोन्स और जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. और डीजनरेटिव डिजीज़ है, जॉइंट डिजीज़ है. आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ ये ख़त्म होती जाती है, डिजीज़ बनती जाती है और ये जॉइंट टूटते जाते हैं, ब्रेक डाउन होती है ड्यू टू ट्रामा. कोई ट्रामा हुआ, इन्फेक्शन हुआ या एजिंग की वजह से, खासतौर पर फीमेल में जो है
ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 40 साल में होते हैं, जबकि मेल में 60 ईयर्स के बाद होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड डिटोरियोरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, और आर्टिकुलर कार्टिलेज भी डिटोरियोरेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है। अदर फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस आर रोमाटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है रोमाटॉइड आर्थराइटिस। तो आरए फैक्टर इनका करवाया जाता है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर का जो एंटीबॉडीज़ हैं अगर आप देख लेते हैं तो उसको रोमाटॉइड आर्थराइटिस होगा। और जेनेटिकली ये डिज़ीज़ है, यानी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, बॉडी के अंदर खुद ब खुद ये अपने सेल जो है उनके खिलाफ हो जाते हैं। इम्यून सेल जो होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, वो अगेंस्ट आवर जॉइंट्स कि ये फॉरनर है उसके खिलाफ ये डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं, अटैक करते हैं, और जिससे रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। और उसके लिए बहुत सारी ड्रग्स हैं, डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स, और रोमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, और दीज आर वेरी कॉमन डिज़ीज़। सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है, सोरियासिस जो एक फॉर्म है बोन्स की, जॉइंट्स की, जहाँ पे पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, और ये भी जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ है। सेप्टिक आर्थराइटिस हम कहते हैं जिसमें इन्फेक्शन हो, सेप्टिक जो है, सेप्टिक शॉक भी होता है, जिसमें सेप्टिक मीन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लड के अंदर चले जाते हैं और जाके आर्थराइटिस के ऊपर अटैक करते हैं, और जिससे सेप्टिक आर्थराइटिस उसे कर देते हैं, यानी वहाँ पे शॉक या डिजीज़ कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं जॉइंट को, उसको कहा जाता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। गाउटी आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। गाउट जो है वो उसको कहा जाता है जिसमें हैपर यूरिसीमिया हो जाए। हैपर यूरिसीमिया का मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। जो हम फूड खाते हैं, खासतौर पे एग्स हैं, जो मीट है, उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में ये पाया जाता है, मक्खन है, तो वो जो है गाउटी आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड्स वाली फूड्स होती हैं वो यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ाती हैं। इन द जॉइंट दैट रिजल्ट्स इन सब्सिक्वेंट इन्फ्लेमेशन, और ये भी कंटिन्यूसली इसको एहतियात करना पड़ता है, और या फिर मेडिसिन इसके साथ लेनी पड़ती है। सीडो गाउट है इज फॉर्मेशन ऑफ रम्बॉइडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के अगर बन जाएँ तो सीडो गाउट कहेंगे, कि वो नकल गाउट है। असल गाउट जिसमें जो है कैल्शियम होते हैं या अदर क्रिस्टल्स होते हैं, वो सीडो गाउट भी हो सकता है और गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।